अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम बनाते हैं मटन मसाला रेसिपी। ये हमने आधा किलो प्याज लेके चॉप कर लिया है, एक किलो मटन लेके वॉश कर लिया है। ये कुछ हमने मसाले लिए हैं, जैसे कि 20 लहसुन की कलियां, दो प्याज को हमने रफली चॉप कर लिया है, 3-4 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक के टुकड़े को हमने रफली चॉप कर लिया है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल बुकी मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा। ये कुछ हमने साबुत मसाले लिए हैं, लौंग, इलायची और तेजपात का पत्ता और जीरा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं अपने मटन मसाला। ये हमने गैस पे कुकर रख दिया है, कुकर हीट हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको आसानी से मिल सके। ये देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 2 छोटी इलायची, तेजपात का पत्ता और ज़ीरा ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग जिस मेथड से मैं बनाती हूँ, आप लोग भी इसी मेथड से बनाइए, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। यह मसाला हल्का भुनने के बाद हमने जो आधे किलो प्याज को चॉप किया था इसमें ऐड कर देंगे। प्याज हम अच्छे से भूनना है लाइट ब्राउन होने तक, अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम हमें हाई नहीं करना, फ्लेम हमें हमेशा मीडियम ही रखना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम अपनी मसाले पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए, नमक और मिर्च। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्याज में नमक जब हम ऐड कर देते हैं तो प्याज बहुत जल्द हमारे ब्राउन हो जाते हैं। मीडियम ही फ्लेम रखें फ्रेंड्स, ज़्यादा हाई ना करें। ये देखिए, हमारे मसाले भी पिस चुके हैं। हमें इसे बारीक पेस्ट बनाना है, अच्छे से पानी डालकर। ये देखिए, हमारा कांदा अच्छे से भून रहा है। हम इसे हर 1-2 मिनट पे अच्छे से चलाते रहेंगे, ताकि ये नीचे से जले ना। अब हम इसमें अपना मटन ऐड करेंगे, जो हमने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से भूनने देंगे। मिक्स करने के बाद ये 2-3 मिनट तक भुनेगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने पीसे हुए मसाले। ये देखिए, हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। फ्लेम हमारी हमेशा मीडियम ही रहेगी। ये देखिए, हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसे 2-3 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले जो हमने अच्छे से पीसा था। मसाला पीसते वक्त हमें 2 से 3 चम्मच पानी की ज़रूरत पड़ी थी। अब हम मिक्सी जार में 2-3 चम्मच और पानी डाल के अच्छे से उसे वॉश करके हम इसमें मिक्स कर देंगे, ताकि हमारे मसाले वेस्ट ना हो। इसमें मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से चला लेंगे और मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे मसाले हर एक
पीस पे कोट हो सके। देखिए देखिए, इसे मिक्स करने के बाद हम 2-3 मिनट भूनने के बाद गैस को अच्छे से सीटी लगने के लिए हम ऑन कर देंगे। फ्लेम हमारी 2-3 मिनट हाई रहेगी। 3 सीटी आने के बाद हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इसे कुकर को खोल के दिखाते हैं। 2-3 सीटी आने के बाद फ्लेम अपने आप जब गैस अपने आप कुकर से अलग हो गया, फिर हमने इसे खोला है। अब हम इसमें कोथमीर के पत्ते ऐड करेंगे। आप चाहें तो इस वक्त गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर और कोथमीर हम लास्ट में ही ऐड करते हैं ताकि उसकी खुशबू बरकरार रहे। देखिए फ्रेंड्स, हमें इतने ही थिक मसाले पसंद हैं। अगर आपको और पानी ऐड करना है तो आप पानी बॉईल करके इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा मटन मसाला रेसिपी तैयार है। आप भी बनाइए, खाइए। मैं फिर न्यू वीडियोस लेके आऊँगी। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टेक केयर।